तो की हालचाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एटीएम मशीन से अपने अकाउंट का बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि एटीएम मशीन से हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस को कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि एटीएम मशीन से हम बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। एटीएम मशीन से अपने अकाउंट का बैलेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में जाना है। उसके बाद आपको अपना एटीएम को कुछ इस तरह से पकड़ना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में कुछ इस तरह से डालना है। उसके बाद देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रिमूव योर कार्ड, तो आपको अपना एटीएम कार्ड को निकाल लेना है। अगर यहां पर लिखा रहेगा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एटीएम कार्ड को नहीं निकालना है। फिर यहां पर देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा, जिसमें एक ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना एटीएम कार्ड का पिन डालना है, जो आपका पिन है, तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। सो पिन जैसे ही आप डालेंगे, तो पिन डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना अकाउंट का टाइप चूज कर लेना है। मेरा सेविंग अकाउंट है, हम सेविंग अकाउंट को चूज कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, यहाँ पर शो करेगा। उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा कि आप एटीएम मशीन से कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।